नए संसद भवन का उद्घाटन करके मोदी अचानक पहुंच गए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के पास। 24 घंटे के अंदर पलट गया खेल, मोदी विरोधियों में मच गई खलबली। नए संसद के उद्घाटन से पहले मोदी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के बीच क्या बात हुई थी? तैयार होकर बैठी थी मुर्मू, फिर आखिरी वक्त में क्यों भेजना पड़ा था संदेश? नई संसद का उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने क्यों नहीं किया, जानेंगे तो हिल जाएंगे। मोदी का नाम लेकर पूरे देश के सामने मुर्मू ने कह दी बहुत बड़ी बात। नई संसद का उद्घाटन होने के सिर्फ 24 घंटे के अंदर ही पीएम मोदी ने पूरा खेल पलट दिया है। मोदी जब अचानक से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के घर पहुंचे तो देखकर पूरा देश हैरान रह गया। ये तस्वीर राष्ट्रपति भवन की है जहां मोदी अचानक से पहुंच गए और इस तस्वीर के आते ही मोदी विरोधियों में खलबली मच गई। मोदी विरोधी किस दल जब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को लेकर बवाल मचा रहे थे, उधर मोदी बंद कमरे में देश भर से आए सभी बीजेपी के मुख्यमंत्रियों के साथ हाई लेवल मीटिंग कर रहे थे। नए संसद भवन का उद्घाटन करने के बाद पीएम मोदी जब बीजेपी हेडक्वार्टर पहुंचे तो बहुत परेशान थे। पीएम मोदी के सामने पूरे देश से बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री थे। मोदी की हर तस्वीर बता रही थी कि वो बहुत परेशान है और टेंशन में है। नए संसद के उद्घाटन में देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू क्यों नहीं पहुंची, हर कोई जानना चाहता है। लेकिन उससे भी ज्यादा जानना आपके लिए ये जरूरी है कि आखिर उद्घाटन से पहले मोदी और द्रौपदी मुर्मू के बीच फोन पर क्या बात हुई थी, और अब मोदी अचानक से मुर्मू से मिलने क्यों पहुंचे। अगर द्रौपदी मुर्मू आने के लिए तैयार थी, फिर आखिरी वक्त में उन्हें नई संसद में आने से किसने रोका, और किसके कहने पर मुर्मू को चिट्ठी लिखकर भेजना पड़ा? इसकी पूरी इनसाइड स्टोरी जानेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। पीएम मोदी का नाम लेकर द्रौपदी मुर्मू ने खुद अपने दिल की बात पूरे देश के सामने रख दी है। इसके साथ ही राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पीएम मोदी को लेकर भी बहुत बड़ा बयान दिया है। सिर्फ राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ही नहीं बल्कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भी धमाकेदार बयान दिया है। सबसे पहले आपको बताते हैं कि उपराष्ट्रपति ने क्या कहा है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का लिखा हुआ पत्र संसद भवन में ही पीएम मोदी के सामने पढ़ा गया। इस पत्र में उपराष्ट्रपति धनखड़ ने लिखा, मुझे खुशी है कि पीएम मोदी, जो भारत की आजादी के बाद जन्म लेने वाले भारत के पहले पीएम हैं, नई संसद का शुभारंभ कर रहे हैं। धनखड़ ने आगे लिखा कि सबसे बड़े लोकतंत्र की जननी संसद के नए भवन के समर्पण के इस मील के पत्थर के ऐतिहासिक क्षण पर पूरे देश को हार्दिक बधाई। स्वतंत्रता इस शानदार इमारत को समर्पित किया है। अब चलिए आपको बताते हैं कि आखिर मोदी का नाम लेकर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देश के सामने क्या कहा है। राष्ट्रपति मुर्मू ने पीएम मोदी का नाम लेकर पूरे देश को नए संसद भवन की शुभकामनाएं दी है। इसके साथ ही मुर्मू ने यह भी कहा है कि 28 मई की तारीख भारत के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में दर्ज हो गई है। मुझे बहुत खुशी है कि हमारे पूरे देश के लिए गौरव का वक्त है। नए संसद भवन का उद्घाटन करने के 24 घंटे के अंदर ही पीएम मोदी द्रौपदी मुर्मू से मिलने उनके घर पहुंचे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सतर्कता आयुक्त प्रवीण कुमार को सीवीसी पद की शपथ दिलाई। राष्ट्रपति भवन से जारी एक बयान में बताया गया है कि इस दौरान पीएम मोदी भी वहां पर मौजूद थे। बताया जा रहा कि पीएम मोदी और राष्ट्रपति मुर्मू के बीच करीब 30 मिनट तक बातचीत हुई और कई मुद्दों पर चर्चा हुई। इस दौरान नए संसद भवन को लेकर भी पीएम मोदी और राष्ट्रपति मुर्मू के बीच बातचीत हुई। सूत्र बताते कि नई संसद भवन के उद्घाटन से एक दिन पहले पीएम मोदी और द्रौपदी मुर्मू के बीच फोन पर भी बात हुई थी। द्रौपदी मुर्मू अगर उद्घाटन में शामिल होती तो देश की पहली नागरिक होने की वजह से उन्हें ही नई संसद का उद्घाटन करना पड़ता, लेकिन वो खुद चाहती थी कि उद्घाटन पीएम मोदी करें। मुर्मू ऐसा क्यों चाहती थी, इसकी वजह भी आपको बताते हैं। उपराष्ट्रपति धनखड़ हो या फिर द्रौपदी मुर्मू, दोनों ही बीजेपी के नेता हैं। दोनों को ही मोदी शाह की वजह से ही इस पद तक पहुंचने का मौका मिला। बीजेपी ये बात अच्छी तरह से जानती है कि मोदी के नाम पर वोट बटोरा जा सकता है, इसीलिए उनको सबसे आगे बीजेपी हमेशा रखती है। विपक्ष को इसी बात का डर था कि अगर मोदी उद्घाटन करेंगे तो इसका फायदा बीजेपी को 2024 के चुनाव में हो सकता है। यही वजह रही कि मोदी विरोधी किस दलों ने नई संसद भवन के उद्घाटन का बायकॉट कर दिया। लेकिन पूरे देश में जिस तरह का माहौल बना और जिस तरह का संदेश लोगों के बीच पहुंचा, उससे मोदी विरोधियों को ही नुकसान होता दिख रहा है। सूत्र बताते कि मोदी खुद चाहते थे कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ही नई संसद का उद्घाटन करें, लेकिन खुद द्रौपदी मुर्मू ने पीएम मोदी को आगे कर दिया। उद्घाटन के बाद पीएम मोदी की टेंशन उस दौरान भी देखने को मिली जब वो बीजेपी हेडक्वार्टर पहुंचे। पहले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पत्र लिखकर पीएम मोदी की तारीफ की, और अब नई संसद का उद्घाटन होने के बाद 24 घंटे के अंदर ही पीएम मोदी द्रौपदी मुर्मू से मिलने उनके घर पहुंच गए।
पीएम मोदी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की इस मुलाकात के बाद मोदी विरोधियों में खलबली मच गई है, लेकिन इसे लेकर आपका क्या कहना है अपनी राय आप कमेंट बॉक्स पर लिखकर जरूर बताएं। द राष्ट्रहित के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।